जून बोनांजा सेल आ गया है, अप टू 90% ऑफ ऑन ऑल सुपर कोचिंग, साथ ही साथ 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आ जाओ करवा देंगे। एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आ जाओ करवा देंगे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आ जाओ बॉस करवा देंगे। यही नहीं, यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, बैंकिंग, ईपीएफओ, डिफेंस, एजेई, गेट, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, आ जाओ बॉस करवा देंगे। सुपर कोचिंग पर मिलेगा अप टू 90% ऑफ प्लस 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी 13-14-15 जून ओनली। हो जुनून तो सिलेक्शन सून। जून हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरीवन? एम आई ऑडिबल टू ईच एंड एवरीवन? इज ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन? वी आर लाइव नाउ, दिस इज मोहित हियर एंड वेलकम टू द टेस्ट बुक। गाइस, सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कंफर्मेशन देंगे? सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कंफर्मेशन? तो यार, इज ऑडिबिलिटी एब्सोल्युटली फाइन टू ईच एंड एवरीवन? जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के बेहतरीन सेशन में गाइस आप सभी बच्चों का स्वागत है। हर दिन रात को 10 बजे हम लोग मिलते हैं और हमारे जनरल साइंस के बेहतरीन क्वेश्चंस को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूं। ये सेशन उन सभी विद्यार्थियों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, जो बच्चे आने वाले समय में जेई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एसएससी जेई, तो एसएससी जेई के पेपर में बेटा 10 से 15 नंबर का जनरल साइंस पूछा जाता है 50 में से। अगर मैं बात करूं आप लोगों से डीएफसी सीएल, तो उसका सीबीटी 1 तो पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल है, तो वहां पे भी आप लोगों से गाइस जनरल साइंस के प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें गाइस इसके बाद की भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि बार्क स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग, तो बार्क स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग का जो कैटेगरी 2 होता है उसके अंदर भी गाइस आपसे 20 मार्क्स का जनरल साइंस पूछा जा रहा है। तो यार, हर एक एग्जाम में नॉन टेक्निकल के पोर्शन में जनरल साइंस बाय डिफॉल्टेड पूछा ही जाता है। आने वाले समय में जब रेलवे या एएलपी आएगा तब भी आपको मेरी ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी और तब भी हम लोग बहुत अलग लेवल पे साइंस को मचाने वाले हैं। तो बढ़िया तरीके से सेशन को दिल से एक बार शेयर एंड लाइक करेंगे सभी बच्चे, सो दैट वी विल स्टार्ट अ फैंटास्टिक सेशन। गाइस, एक बार दिल से सभी बच्चे सेशन को शेयर एंड लाइक कर देंगे, सो दैट वी विल स्टार्ट अ फैंटास्टिक सेशन। जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट, फास्ट, क्या बात। तो पहला क्वेश्चन आज आपके सामने ये रहा। आज थोड़ा गले में प्रॉब्लम है गाइस, तो मे बी पॉसिबिलिटी हम आधे घंटे तक पढ़ाई करेंगे, लेकिन पढ़ाई जरूर करेंगे। अभी क्लास लेने के पहले इतनी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी सोचा कि नहीं यार, बच्चों की कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी बहुत हद तक मेंटेन रहती है, तो जब तक खींच पाऊंगा तब तक खींचूंगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। एक मानव शरीर में बेटा मसल्स जो होती है, एक मानव शरीर की अगर मैं बात करूं तो एक मानव शरीर में जो हमारी मसल्स होती है उसके रिगार्डिंग एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अगर हम मसल्स की बात करते हैं मानव शरीर में, तो मानव शरीर में मसल्स के रिगार्डिंग एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। मसल्स कैन ओनली पुश द बोन, क्या हमारी मांसपेशियां जो होती हैं वो हड्डियों को पुश करती हैं, धक्का दे सकती हैं। मसल्स वर्क इन पेयर, क्या हमारी जो मसल्स होती है, मांसपेशियां होती हैं, वो हमारी पेयरिंग में काम करती हैं। क्लियर सर? आज 9:30 बजे वाला क्लास हुआ था, यस अनुराग बेटा, क्लास हुआ था, थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था लेकिन हुआ था, कुछ टेक इशू चल रहा था इस वजह से थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था लेकिन हुआ था। मसल्स बिकम शॉर्टर, स्टिफर एंड थिकर व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड, सिकुड़ने पर मांसपेशियां जो होती हैं वो छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं, या मोर देन वन ऑफ द अबव। जल्दी बोलेंगे इसका आंसर कितना होगा, जल्दी बोलेंगे इसका आंसर कितना होगा, जल्दी जल्दी फटाफट रिकॉर्डेड में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, 9:30 वाली क्लास। तो बेटा बताना है आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है हमारी मसल्स के रिगार्डिंग। तो बेटा मसल्स के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट एक ही बनता है कि मसल्स हमारी कैन ओनली पुश द बोन। बेटा हड्डियों को कभी भी मसल पुश नहीं कर सकता, हड्डियां अपने आप में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, उनको मसल्स कभी भी पुश नहीं कर सकता, लेकिन बाकी की सारी बातें जो है यहाँ पर वो सही लिखी है। जैसे कि मसल वर्क करती है पेयर्स में, ध्यान रखिएगा, मसल बिकम शॉर्टर, मसल जो होती है हमारी वो छोटी हो जाती है, स्टिफर यानी कि हमारी से हमारी जो है सख्त हो जाती है, मोटी हो जाती है, कब है ना, ये हमारी इस तरीके के शेप भी ले लेती है। लेकिन अगर हम बात करें मसल्स कभी भी बेटा हड्डियों को पुश नहीं कर सकती, तो ये स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग पूरा क्या लिखा है, गलत लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Which of the following photoelectric device is most suitable for digital application? बेटा digital application के लिए most suitable device कौन सा है? Most suitable है ना photoelectric device कौन सा है? ये question मैं बार-बार करवा रहा हूँ, मुझे लगता है ये question बहुत important है, ठीक है, और आपको exam में definitely देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो बेटा याद रखना इनमें से कौन सा photoelectric device है जो ज्यादा suitable होता है digital application के लिए, और वो होता है हमारा photovoltaic cell। कौन सा होता है बेटा? Photovoltaic cell हमारा सबसे most फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही प्यारा सवाल है। बॉल बियरिंग जो यूज की जाती है स्टैटिक फ्रिक्शन को किसमें कन्वर्ट करती है? एक बॉल बियरिंग जो होती है आपकी, वो उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो बॉल बियरिंग करती क्या है बेटा, एक स्टैटिक फ्रिक्शन को किसमें करती है, जल्दी बोलेंगे।
जल्दी 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 फटाफट। तो एक बॉल बियरिंग जो होती है हमारी, तो आपको बताना है बॉल बियरिंग हमारी यूज की जाती है कन्वर्ट करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन को किसमें, एक बॉल बियरिंग हमारी एक स्टैटिक फ्रिक्शन को किसमें कन्वर्ट करने के काम आती है। बॉल बियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो बॉल बियरिंग हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन को किसमें कन्वर्ट करने के काम आती है, जल्दी बोलेंगे। बॉल बियरिंग हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन को किसमें कन्वर्ट करने के काम आती है, जल्दी बोलेंगे। तो बेटा एक बॉल बियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो बॉल बियरिंग की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा बॉल बियरिंग हमारी जो होती है वो किसको, एक स्टैटिक फ्रिक्शन को किसमें कन्वर्ट करने के काम आती है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करती है। यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें तो आप लोगों ने सभी ने बॉल बियरिंग का शेप देखा होगा। बॉल बियरिंग का शेप बेटा कुछ इस प्रकार का रहता है। बचपन में आपने इसे खेला भी होगा, ये कुछ हमारा शेप होता है किसका, बॉल बियरिंग का। और बॉल बियरिंग बेटा हमेशा क्या करता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन को एक रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करता है। गुड इवनिंग रश्मि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको हम NBRI बोलते हैं, ये कहां पर लोकेटेड है। इस तरीके का सवाल जनरल स्टडीज में बहुत बार आमतौर पर देखा जाता है। क्या सवाल है? नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको NBRI बोला जाता है, ये कहां लोकेटेड है? कोलकाता में लोकेटेड है, मुंबई में लोकेटेड है, लखनऊ में है या कोयंबटूर? चलिए तो गाइस याद रखना, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारा है ये हम कहां लोकेट कर, ये कहां पर अवेलेबल है? तो बेटा नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारा है ये बेसिकली कहां पर है, ये लखनऊ के अंदर एस्टेब्लिश्ड है। याद रखना NBRI जो है, नेशनल बॉटनिकल इंस्टीट्यूट जो हमारा है वो लखनऊ के अंदर आता है, क्लियर। चलिए कोयंबटूर कौन लगा दिया, इतनी दूर काय को जाएंगे अपन। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोयंबटूर भी हमारे देश का हिस्सा, लेकिन भाई लखनऊ में आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, गलती मत कर देना पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव किंगडम सिस्टम आपको पता है, एल्गी, फंजाय, क्लियर है ना, सारे पता है, प्रोटोजोआ, क्लियर। और बताते जाओ, एल्गी हो गया, फंजाय हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, दो और नाम बताएं। पांच किंगडम क्लासिफिकेशन के तीन नाम मैंने बता दिए, एल्गी, फंजाय, प्रोटोजोआ, दो नाम और आपको बताना है। ये बेसिकली अगर हम इनकी बात करते हैं, इसको डेवलप किया था विटेगर साहब ने, रॉबर्ट एच विटेगर ने, कौन से ईयर में। MPPSC प्रिंसिपल ग्रेड टू असिस्टेंट डायरेक्टर की वैकेंसी का कोर्स नहीं है सर, टेक्स्ट बुक पर इंजीनियरिंग वैकेंसी नहीं बेटा राजा, उसका कोर्स अवेलेबल नहीं है। उसका पूछ क्यों नहीं अवेलेबल, अगर होता तो पढ़ाता कौन, मैं कैसे पढ़ाऊं, आज तक कभी एग्जाम नहीं हुआ तो कैसे कोर्स लाएं, बच्चों को बेवकूफ नहीं बनाना है, ठीक है। सो देयर इज नो सच कोर्स एग्जिस्ट, एवरीबॉडी, एवरी कैंडिडेट फॉर दैट एग्जाम दे हैव टू सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, देयर इज नो कोर्स अवेलेबल। और जहां तू कोई कोर्स देखेगा तेरे को बड़ा अच्छा लगेगा, या जहां तू कभी टेस्ट सीरीज देखेगा तेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। मेरी टीम से बात हुई, मैंने बोला भाई ऐसा कोर्स को हम लॉन्च नहीं कर सकते और ना मुझे करना चाहिए। रीजन भाई, जिस एग्जाम कभी हुआ ही नहीं है, जिस चीज का एग्जाम, उसका कोर्स कैसे बना सकता है कोई, ठीक है। चलिए तो बेटा यहां देखेंगे, फाइव किंगडम सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट एच विटेकर, तो इनके द्वारा बताया गया था। और बेटा मैंने आपसे दो नाम पूछे हुए हैं, क्लियर, दो नाम मैंने आपसे पूछे हैं, वायरस और बैक्टीरिया। तो पांच किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो पहला होता है वायरस, दूसरा होता है बैक्टीरिया। कुछ बोल रहे हैं बच्चे, रिकॉर्डिंग में देखते हैं, टाइम सेविंग हो जाती है जिंदगी बेटा, रिकॉर्डिंग में चली जाएगी, फिर जिंदगी रिकॉर्डिंग में चली जाएगी, इतना ज्यादा समय मत सेव करो, क्लियर, कि समय ही सेव होता जा रहा है फिर, है ना। जिस चीज का लाइव है ना, मतलब आप देखो खुद ही सोचो, अगर मैं किसी चीज को रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा कितना है ना, तो मुझे भी सबसे कम टाइम लगता है, लेकिन फिर भी मैं लाइव क्यों आता हूं। लाइव आने से दो चीज होती है, एक डिसिप्लिन और दूसरा क्या होता है, डिसिप्लिन के साथ साथ दूसरा होता है इंटरेक्शन, जिससे लर्निंग स्किल अच्छी बढ़ती है और चीजें याद रहती है। हमेशा ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। चलो मैच की हाईलाइट थोड़ी है कि लाइव हाईलाइट देख लिए। तो वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, फंजाय होता है, प्रोटोजोआ होता है, क्लियर। और एक और मैंने नाम बताया था आप लोगों को, क्या जल्दी बोलो, फंजाय, प्रोटोजोआ और एल्गी, ये हमारे पांच क्या है बेटा, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है। इसको रॉबर्ट एच विटेकर ने साहब ने दिया था, और कौन से ईयर में दिया था इसको, 1969 में। ये ईयर आपको याद रखना है, ईयर के साथ साथ आपको याद रखना है क्या, रॉबर्ट एच विटेकर साहब ने दिया था। और बेटा ये पांचों किंगडम क्वालिफिकेशन के नाम याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों चीजें आपको याद रखनी है, पांचों किंगडम क्वालिफिकेशन के नाम याद रखना है, क्लियर।
पांचों किंगडम को, पांचों किंगडम क्लासिफिकेशन के नाम याद रखना है, ईयर याद रखना है, और ईयर के साथ बात रखना है रॉबर्ट एट विटेकर, ये नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड द फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की थ्योरी किसने दी थी? किसने? मेंडल ने दी थी, मॉर्गन ने दी, डार्विन या वॉटसन? जल्दी बोलेंगे। सर गलत बता दिए, क्या गलत बताएं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलेंगे, क्या गलत है? गुड 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 प्रज्ञा, गुड गुड गुड, एक बार वो सुनता ये चीज बैक करके अच्छी लगी आपकी बात। चलो तो गधो, यहां पे ये गलती मत कर देना, वायरस बैक्टीरिया, ठीक है, ये वायरस बैक्टीरिया वाली गलती यहां पे जिंदगी में मत कर देना कभी, समझे? अकल लगा रहे, वायरस बैक्टीरिया, डिजीज नहीं चल रही है। फर्स्ट वन इज मोनेरा, सेकेंड वन इज प्रोटेस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटिया, ये थे पांच क्लासिफिकेशन, पांच किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज मोनेरा, प्रोटेस्टा, क्लियर, एनिमेलिया, प्लांटिया, फंजाई। अभी सही गलत है, अभी सही गलत है, गुड। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने वंशानुक्रम के मूलभूत नियमों की खोज की थी? जल्दी बोलेंगे, तो बेटा किसने करी थी याद रखना, ये सबको याद होना चाहिए, मेंडल साहब ने करा था। द फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसके द्वारा दिया गया है? मेंडल साहब के द्वारा दिया गया है, फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, If the spinning speed of the earth increases, the weight of the body at equator, बेटा अगर मान लो हमारा अर्थ जो है वो इस वाले पर्टिकुलर ऑर्बिट पे रोटेट करता है, ठीक है, और हमारा अर्थ की जो स्पिनिंग स्पीड है यानी कि खुद की जो स्पीड है वो अगर वो कंटिन्यूअसली बढ़ाता जाता है, ऐसे बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो अर्थ की अगर स्पिनिंग स्पीड बढ़ती जाएगी तो इक्वेटर, आपको पता है अर्थ में हम दो चीज बोलते हैं, एक इक्वेटर और एक पोल, अर्थ में अगर हम इक्वेटर की बात करते हैं तो इक्वेटर पर क्या होने वाला है उसका वजन, तो वजन क्या होने वाला है इक्वेटर पे, जल्दी बोलेंगे, देन द वेट ऑफ द बॉडी एट इक्वेटर, तो बेटा इक्वेटर पे वेट हमारा क्या होने लगता है, घटने लगता है, जब जब हमारी स्पीड जो है स्पिनिंग स्पीड इंक्रीज होती है इक्वेटर पे वेट घटता है, और जब जब हमारी स्पिनिंग स्पीड जो है वो डिक्रीज होती है अर्थ पे वेट बढ़ता है, ये ध्यान रखना, वेट मतलब यहां पर वजन की बात नहीं की जा रही है, मास को वजन बोलते हैं, वेट यहां पर बात की जा रही है आपकी विद ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज ऑन द फोर्स दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। चलिए ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a vector quantity? इनमें से कौन सा बेटा सदिश राशि नहीं होती? Velocity, torque, displacement या speed? जल्दी करेंगे, बहुत प्यारा सवाल है ये, जल्दी करेंगे, बहुत प्यारा सवाल है ये। एक बच्चा एक दिन मेरे को बोलता है, सर ये पेपर अगस्त में होगा, मैंने बोला तेरे को कैसे पता? बोला सर पता चला कहीं से सोर्स से, मैंने बोला कौन सा सोर्स? बोला अरे सर पता चला सर, मैंने यूट्यूब छपरी यूट्यूबर वहां से पता चला तेरे को? बोला नहीं 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 सर टेलीग्राम में पता चला, मैंने टेलीग्राम पे कौन बैठा हुआ है? बोला सर बात करते रहते हैं लोग तो पता चल जाता है, मैंने बोला वाह बेटा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसी चीजों पे ध्यान मत दिया करो, अपनी तैयारियों पे ध्यान दिया करो, ठीक है ना, ऐसी चीजों पे ध्यान मत दिया करो, अपनी तैयारियों पे ध्यान दिया करो, ठीक है। वो लोग भी हंसते होंगे वहां बैठ के कि बताओ मार्केट में क्या चल रहा है, पेपर बनाने वाले पेपर कंडक्ट करवाने वाले वो भी हंसते होंगे। चलो तो बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इनमें से कौन सा एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? तो बेटा देखो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, बट स्पीड हमारी कभी भी वेक्टर क्वांटिटी में नहीं आती, ना तो बेटा डिस्टेंस हमारा आता है ना ही स्पीड हमारी आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू डिफाइन स्पीड, वो पहला इंसान कौन था जिसने स्पीड को डिफाइन किया था? न्यूटन साहब ने, केपलर ने, पोटलेमी ने या गैलीलियो ने? यहां पर इस सवाल को बहुत बच्चे गलती करते हैं, क्लियर है ना, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं सवाल के अंदर, उनको स्पीड से समझ में आता है केपलर, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था, और साइंस में बेटा मेरे क्वेश्चन में बार बार रिपीट करूंगा ताकि आप लोग को याद रहे, ये ध्यान रखना, ठीक है। इट इज नॉट अ टेक्निकल पोर्शन कि यार एक क्वेश्चन बार बार क्यों आ रहा है, ये बेटा साइंस है, ये याद ऐसे ही होती है, ठीक है। तो मैंने कल भी बताया था, तो ये मैं देखना चाह रहा हूँ कितने बच्चों को याद रहता है। अगर आपको स्पीड डिफाइन करना है तो बेटा पहले पर्सन वो थे जिनका नाम था गैलीलियो, गैलीलियो साहब ने सबसे पहले स्पीड को डिफाइन किया था, क्लियर है ना, गैलीलियो साहब ने सबसे पहले स्पीड को डिफाइन किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The part of skeleton that are not as hard as bones and which can be bent are called as. बेटा कंकाल का वो हिस्सा जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते और मोड़े जा सकते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? आपकी बॉडी का जो स्केलेटन होता है कंकाल, उसका वो हिस्सा जो हड्डियों की तरह कड़क नहीं है लेकिन फिर भी मोड़ा जा सकता है, उस हिस्से को क्या नाम देते हैं? वर्टिब्रा बोलते हैं, कार्पल्स बोलते हैं, कार्टिलेज बोलते हैं, क्या बोला जाता है जल्दी बोलेंगे, ये सबको पता होना चाहिए। ये बेटा स्केलेटन का वो हिस्सा है जिसको आप बेंड कर सकते हो। क्लियर? मैक डीपी बेटा मैकेनिकल की क्लास शाम को 7 बजे से 8 बजे तक होती है, राहुल सर लेते हैं, ठीक है? चलो तो यहां पे देखेंगे द पार्ट्स ऑफ स्केलेटन दैट, तो बेटा कंकाल का वो हिस्सा जो मोड़ा जा सकता है उसको क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टिलेज बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? क्या बोला जाता है? कार्टिलेज बोला जाता है। ये वो हिस्सा होता है जो बेंट हो सकता है, मोड़ा जा सकता है, ये हड्डियों जितना सख्त नहीं होता लेकिन ये हिस्सा हमारा जो है वो बेसिकली स्केलेटन का ही हिस्सा होता है, ठीक है? चलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप एसोसिएटेड विद द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी की इम्यूनिटी से एसोसिएटेड सेल कौन सा है? ये सवाल मैंने आपको पहले भी कराया, जब आपको फीवर आता है, जब आपको सर्दी खांसी होती है तो बॉडी के कुछ सेल्स होते हैं जो इन सब चीजों से लड़ते हैं और आपकी बॉडी को अफेक्ट होने नहीं देते। आज आप सोचो आप लोग खड़े हुए, आपको आपको कोई भी किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब हमारी बॉडी में ऐसे कुछ सेल्स हैं जो बेसिकली क्या कर रहे हैं? हमारे लिए लड़ रहे हैं। क्लियर? अब कभी कभी क्या होता है इन सेल्स की मात्रा कम हो जाती है तो ये लड़ नहीं पाते और उसी चक्कर में आपको सर्दी खांसी जुकाम या फीवर वगैरह देखने को मिलता है। और उन सेल्स को क्या बोला जाता है? इन सेल्स को बोला जाता है लिम्फोसाइट्स। क्या बोला जाता है? लिम्फोसाइट्स बोला जाता है। एक इंसान अगर बार बार बीमार पड़ रहा है तो लोग उसको बोलते हैं उसकी इम्यूनिटी वीक है, और वो इम्यूनिटी वीक करने का काम किसका होता है? लिम्फोसाइट्स का। जब आपकी बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाती है तभी आपकी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है? तभी आपकी बॉडी क्या हो जाती है? अनइम्यून हो जाती है, आपकी बॉडी इम्यूनिटी नहीं मेंटेन कर पाती, ध्यान रखिएगा। द ओडर ऑफ एसिटिक एसिड रिजेंबल्स विद, आप सभी बच्चों को मैंने पढ़ाया था एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला होता है CH3COOH। अब आपको बताना है कि एक एसिटिक एसिड का ओडर यानी कि उसकी गंध किसके समान होती है? टमाटर के समान होती है, केरोसिन के समान होती है, विनेगर के समान होती है। प्लेटलेट्स कम होना भी अच्छा नहीं होता, लेकिन प्लेटलेट्स आर नॉट इम्यूनिटी इम्यूनिटी सेल्स, प्लेटलेट्स आर नॉट इम्यूनिटी सेल्स। चलिए तो आज आपको बताना है बेटा एक एसिटिक एसिड की जो गंध है वो किस तरीके की देखने को मिलेगी आपको, है ना? विनेगर की तरह, टमाटर की तरह, केरोसिन की तरह। एक एसिटिक एसिड की जो गंध है वो आपको सिरका जैसा देखने को मिलता है, और बेटा विनेगर में तो पाया ही जाता है। क्या आपका एसिटिक एसिड कहां पाया जाता है? अगर आपको कोई बोले एसिटिक एसिड हमको कहां पे मिलता है तो आपको कहां देखने को मिलता है? विनेगर यानी कि सिरका में ही देखने को मिलता है। आपका एसिटिक एसिड जो है आपको वो विनेगर यानी कि सिरका में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? और जिन बच्चों ने बेटा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो टोटल चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलते रहें क्लासेस के, और जब भी कुछ मैं नई स्ट्रेटेजी वगैरह लेके आऊं वो भी मिलता रहे, और लास्ट में मैं टेलीग्राम चैनल भी दूंगा ताकि आप वहां पे भी जुड़े रहें, राइट? चलिए चाउमीन में मिलता है बेटा, तेरी चाउमीन कोई और ले जाए, पढ़ाई कर ले चुपचाप। कौन था ये चाउमीन वाला? हाँ चलो डिटेक्ट द ऑड वन। क्लियर? डिटेक्ट द ऑड वन, इनमें से एक आपको बताना है ऑड वन आउट क्या होगा। जैसे रीजनिंग में आप लोग पढ़ते हो ना ऑड वन आउट, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट यानी कि फल का पकना, सेटिंग ऑफ सीमेंट यानी कि सीमेंट का जम जाना, बर्निंग ऑफ कोल यानी कि कोयले का जलना, इन तीनों में से अलग कौन सा है? चाउमीन में मिलता है। कौन था ये चाउमीन वाला? मेरे को पहले देखने तो दूजा है, ये चाउमीन वाले कौन थे? डिलीट मार दिया मैसेज ने? चाउमीन चलो तो बेटा यहां देखेंगे ऑड वन आउट की बात करते हैं। ऑड वन आउट की बात करते हैं तो बेटा इनमें से देखो फल का पकना, सीमेंट का जमना, कोयले का जलना, इनमें से ऐसा कौन सी चीज है आपको जो अलग से अलग दिख रही है? मतलब अगर आप मुझे बोलो कि सर ये अलग है तो इन दोनों में कोई रिलेशन होना चाहिए, अगर आप मुझे बोलो कि ये दोनों ये अलग है तो इन दोनों में कोई रिलेशन होना चाहिए। ऑड वन आउट का मतलब होता है बेटा एक बिल्कुल अलग तरीका का कौन सा है। अब फल पक रहा है, अब फल रखा हुआ है पेड़ के ऊपर तो पक रहा है, नीचे रखा हुआ है, सीमेंट सेटल हो रही है तो दीवार में सीमेंट सेटल हो रही है, इन दोनों का कोई रिलेशन एक दूसरे से नहीं है। बर्निंग ऑफ कोल, कोयला जला रहा है, उसका क्या रिलेशन है? बेटा इन तीनों में कभी किसी का कोई रिलेशन ही नहीं है, इन तीनों में किसी का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो आप इसमें ऑड वन आउट क्या लगाओगे? कोई बोलेगा ये ऑड वन आउट है तो आप इन दोनों का रिलेशन बता दो,
कोई बोलेगा ये ऑड वन आउट है तो आप इन दोनों का रिलेशन बता दो, आप कोई बोलेगा ये ऑड वन आउट है तो आप इन दोनों का रिलेशन बता दो, ये तो वही वाली बात हो गई, फुटबॉल क्रिकेट और बास्केटबॉल में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं भाई, तीनों अपने अपने अलग अलग गेम है। क्लियरिटी है? चलिए, द करेक्ट आंसर इज नन ऑफ द अबव। Which of the following statement about diamond and graphite is true? एक diamond और graphite के according सही statement कौन सा है? इन तीनों में बता दो, diamond और graphite के लिए सही statement कौन सा है? They have same, देखो सबसे पहले तो diamond और graphite के आपको बारे में पता होना चाहिए, carbon के allotropes हैं। Carbon के क्या हैं? Allotrope। ये carbon के allotrope होते हैं। तो carbon का allotrope है कौन? Diamond और graphite। अब आती बात, दे हैव सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे हैव सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और बेटा अगर ग्रेफाइट और डायमंड की बात करोगे तो डायमंड हमारे पास हार्डेस्ट सब्सटेंस है, दे हैव सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस। यार ये गलत बात बोल दिया तुमने, क्या गलत बात बोल दिया, इनमें से कौन सी बात सच है पहले तो ये बताओ। क्या दोनों की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दोनों ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अच्छे नहीं होते, डायमंड तो बकवास है। आप मुझे बताओ डायमंड की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कुछ होती है क्या? नहीं। ग्रेफाइट की तो फिर भी होती है, ग्रेफाइट से हम लोग इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो ग्रेफाइट की तो फिर भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, डायमंड की कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती, ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दोनों का सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बेटा दोनों का आपको पता होना चाहिए, ग्रेफाइट उतना हार्ड नहीं है जितना आपका क्या है, जितना डायमंड आपका हार्ड है। ग्रेफाइट उतना हार्ड नहीं है जितना आपका डायमंड हार्ड है। तीसरा, क्या दोनों सेम हार्डनेस हो सकती है? नहीं हो सकती। तो भाई ये तीनों ही गलत है, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। आप बोलोगे सर ये कैसा पीपीटी लेके आए हो? मेरी इच्छा भाई मैं लाया हूं एकदम मस्त पीपीटी। नहीं है? चलो देखना चाह रहा था तुम में से कितने तुक्केबाज हैं। चलो तुम में से देखना चाह रहा था कितने तुक्के वाले लोग हो, तुक्केबाज कितने हैं यहां पे, उनको देखना जरूरी है भाई, तुक्केबाजों को देखना बहुत जरूरी है जीवन। चलिए इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अ क्वांटम नंबर? एक क्वांटम नंबर सेम नहीं होता दीपक, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम नहीं हो सकता बेटा। अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम हो जाता ना, दोनों में सेम लेवल की प्रॉपर्टीज आ जाती, इनके दोनों के क्रिस्टल स्ट्रक्चर अलग अलग है। चलिए तो इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग अ क्वांटम नंबर? एन डिटरमाइन द शेप ऑफ ऑर्बिटल, I determine the energy of the orbital, N determine the size of the orbital, I determine the size of the orbital। जल्दी बताएंगे क्वांटम नंबर के रिलेटेड, आज की क्लास का सबसे कठिन क्वेश्चन है, तो आज मैं बता देता हूं क्वांटम नंबर के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। ठीक है, आप लोगों ने समय नाम सुने होंगे, एजीमुथल क्वांटम नंबर, फिजिक्स में कभी केमिस्ट्री में सुना होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्लियर? तो बेटा यहां पर याद रखना, अगर हम जब भी बात करने जाएंगे क्वांटम नंबर की, तो बेटा याद रखना n जो होता है हमारा वो साइज ऑफ ऑर्बिट होता है। n क्या होता है बेटा? साइज ऑफ ऑर्बिट होता है, ध्यान रखना, साइज ऑफ ऑर्बिट होता है n हमारा। क्या होता है? साइज ऑफ ऑर्बिटल, है ना? तो n जो होता है हमारा वो साइज ऑफ ऑर्बिटल रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? n जो होता है वो साइज ऑफ ऑर्बिटल रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द सॉलिड NaCl इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड NaCl, RACB की क्लास, RACB की क्लास स्टार्ट होगी क्या? हो चुकी है, 4 से 6 चलती रोज आया करो। चलिए तो बेटा एक सॉलिड NaCl की बात कर लेते हैं, यानी कि आपका न्यूट्रल NaCl ना तो एसिडिक है और ना ही बेस है, ये क्या है बेटा? न्यूट्रल है, आयनिक बॉन्ड बनता है इसके बीच में। इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस, और ये क्यों बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये आपको बताना है। इन सॉलिड NaCl देयर आर नो आयंस, कैच में कोई आयन नहीं होते। सॉलिड NaCl जो होता है हमारा वो कोवेलेंट होता है। इन सॉलिड NaCl देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ आयन, इनमें कोई आयन की वेलोसिटी नहीं होती। इन सॉलिड NaCl देयर इज नो देयर आर नो इलेक्ट्रॉन्स, नन ऑफ द अबव मोर देन वन ऑफ द अबव। जल्दी बोलेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। कोई अगर आपसे बोल ले, अच्छा इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं, पहला सवाल तो ये बन रहा है NaCl गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर, तो याद रखना NaCl बैड कंडक्टर है। अब दूसरा सवाल ये बन रहा है बैड कंडक्टर क्यों है, दूसरा सवाल ये बन रहा है बैड कंडक्टर क्यों है। और सेशन को एक बार तेजी से लाइक मार देंगे सभी बच्चे, एक बार सेशन में तेजी से लाइक मारेंगे सभी बच्चे जितने भी अवेलेबल है, खतरनाक लेवल पे लाइक होना चाहिए सेशन के अंदर, जले फास्ट, और सेशन शेयर हो जाना चाहिए वी आर लाइव नाउ करके, जले। तो एक सॉलिड NaCl की बात करते हैं, ये बैड कंडक्टर इसलिए होता है क्योंकि बेटा इन सॉलिड NaCl देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ आयंस, आयन की कोई वेलोसिटी नहीं होती, तो बेटा ये बैड कंडक्टर ही होगा ना। अब Na पॉजिटिव आया और उसने क्लोरीन नेगेटिव के साथ आयनिक बॉन्ड बना लिया,
और बॉन्ड बनाने के बाद कोई आयन की वेलोसिटी नहीं है, और जब कोई आयन की वेलोसिटी नहीं है तो भाई यहां पे क्या हो जाएगा, किसी भी तरीके की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगी। Which of the following attractive forces exist between different layer of graphite? बहुत प्यारा सवाल है। अगर आपसे कोई बोले कि बेटा ग्रेफाइट की जो लेयर होती है उनमें किस तरीके की फोर्सेस होती हैं, तो जो ग्रेफाइट की हमारी लेयर है, मान लो ये ग्रेफाइट का टुकड़ा और ग्रेफाइट की जो लेयर है उनके बीच में किस तरीके की फोर्स एग्जिस्ट करती है, ये आपको बताना है। क्या इसमें वंडरवॉल फोर्सेस होती है, कुलम्बिक फोर्सेज होती है, ग्रेविटेशनल होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है? जल्दी करेंगे। जल्दी करो। आरआरबी जेई की वैकेंसी YouTube पर आ गई बट साइट पे नहीं आई है। वो पता नहीं कौन सी YouTube पे आती है बेटा, मेरे को भी नहीं पता, वो मुझे भी नहीं पता कौन सी YouTube पे आती है। मैं तो कभी नहीं लाया वैकेंसी है, वो मुझे भी नहीं पता कौन सी YouTube पे आती है, मैं तो नहीं लाया कभी। YouTube पे भर देना फॉर्म, किसी दिन बोले ना किसी को कि YouTube पे भरवा लो फॉर्म। चलो तो यहाँ पे देखेंगे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग अट्रैक्टिव फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर ऑफ ग्रेफाइट। बेटा एक ग्रेफाइट के अलग अलग लेयर्स के लिए, एक ग्रेफाइट के अलग अलग लेयर्स के अंदर कौन सी फोर्स होती है, तो हमेशा याद रखना वंडर वॉल फोर्सेस। कौन सी होती है बेटा, वंडर वॉल फोर्सेस होती है, याद रखिएगा। कौन सी होती है, तो वंडर वॉल फोर्सेस होती है, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए Yes. Which one of the following compound is used in black and white photography? बेटा black and white पुराने जमाने में photography देखी है आप लोगों ने? अबे आप लोगों ने घर में पूछना किसी से कभी? घर में पूछना कभी किसी से? उनके घर में आप लोगों के पास, घर की अगर मैं बात करूं तो घर में बेटा black and white photography होगी आपके parents या उनके भी कभी पहले के लोगों की, या आप लोगों की कभी बचपन में passport size photo ली गई होगी, जो black and white photo होती है, होती है? हाँ, तो ये black and white photography जो थी इसमें आप किस तरीके के compound को use करते थे? AgF मतलब होता है सिल्वर फ्लोराइड, क्लियर है ना? Ag मतलब होता है सिल्वर, Au मतलब होता है गोल्ड। Ag मतलब होता है बेटा सिल्वर, और Au मतलब क्या होता है बेटा, गोल्ड, याद रखना। Au इज फॉर गोल्ड, या AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, या फिर सिल्वर सल्फेट, जल्दी बोलेंगे। तो याद रखना बेटा, जो हमारा पर्टिकुलर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो होती है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट होती है, तो कौन सा केमिकल कंपाउंड आप लोग इसके लिए यूज करते हो? और एक बार दिल से सेशन को शेयर मारेंगे सभी बच्चे खतरनाक लेवल पे, फटाफट फास्ट। तो एक बार इसके लिए बताना बेटा कौन सा पर्टिकुलर कंपाउंड यूज करते हैं? ऑलवेज सिल्वर ब्रोमाइड। कौन सा यूज किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड हमारा यूज किया जाता है फोटोग्राफी के लिए। क्या यूज करते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड यूज किया जाता है फोटोग्राफी के लिए, ध्यान रखिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a characteristic of chemical change? किसी तरीके का रासायनिक परिवर्तन इनमें से कौन सा नहीं होता? इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज की प्रॉपर्टी नहीं है? शुभ आर्ट बोल रहे हैं आईबी में इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है? नहीं बेटा मत परेशान हो, नहीं एलिजिबल, हो गया अब खत्म, अब वो फोन भी नहीं उठाएंगे, बात भी नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिकल प्योर इलेक्ट्रिकल इज नॉट एलिजिबल। Which of the following is not a characteristic of chemical change? एक केमिकल चेंज की अगर मैं बात करता हूं, इनमें से कौन सा एक केमिकल चेंज की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? क्या कोई भी केमिकल चेंज होता है वो इररिवर्सिबल होता है? जैसे यानी कि कुल मिला के अगर मैंने पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया तो मुझे भी पता है कार्बोनिक एसिड बनता है। क्या बोला बेटा मैंने? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर मैं मिलाता हूं तो मुझे पता है कार्बोनिक एसिड बनता है, H2CO3 नाम का कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो क्या कार्बोनिक एसिड जो है मेरा पानी और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट सकता है? अगर ऐसा है तो इरिवर्सिबल है, तो क्या सब कुछ ऐसा हो सकता है? नमक में पानी को मिलाया तो वापस क्या पानी को नमक अलग अलग किया जा सकता है? या मैं बोलूं HCl और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब मिलाऊंगा तो NaCl बनता है, तो क्या NaCl वापस टूट के HClO उसमें बन सकता है? तो डिपेंड करता है कि सारी प्रोसेस इरिवर्सिबल होती है या नहीं। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ये तो सही बात है, दुनिया की कोई भी केमिकल रिएक्शन जब आप कराओगे तो नया सब्सटेंस ही बनना, ये तो बात सही है बिल्कुल। नो नेट चेंज इन एनर्जी इन्वॉल्व, कोई नेट चेंज नहीं होता एनर्जी में,
It involves absorption of energy. The correct answer of this question is no net energy change is involved. ये गलत characteristic है कि इसमें कोई energy में change, no net change in energy is involved. ये गलत characteristic है इसकी. Clear? ये क्या है इसकी? गलत characteristic है, ध्यान रखिएगा. ठीक है? ये एकमात्र इसकी गलत characteristic है कि इसमें लिखा है कोई चेंज. बेटा देखो, केमिकल रिएक्शन की अगर बात करें तो इरिवर्सिबल हो सकती है. इरिवर्सिबल हो सकती है, जैसे कि अगर आप HCl और NaOH यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब मिलाओगे तो NaCl बनता है. आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाओगे तो NaCl बनता है, बट जरूरी नहीं है कि NaCl वापस आपको HCl और NaOH दे दे. तो याद रखना, ये इरिवर्सिबल तो हो सकती है, तो सच बात है. क्लियर? कुछ रिएक्शन रिवर्सिबल भी होती है, कुछ इरिवर्सिबल भी होती है, लेकिन न्यू सब्सटेंस भी फॉर्म होता है, ये भी सही है. इट इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही बात है. हर एक केमिकल रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ही कंपाउंड बनाती है, पर यहां लिखा है कोई नेट चेंज नहीं होगा एनर्जी में, तो ये गलत लिखा हुआ है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रूट रिपेनिंग इज स्टिम्युलेटेड बाय, फलों के पकने के लिए को डैश द्वारा उत्तेजित किया जाता है. कुल मिलाकर ये बात की जा रही है फलों को पकाने के लिए क्या करें, फलों को पकाने के लिए क्या करें. आप लोग देखते हो ना, 12 महीने कुछ फल मिलते हैं आपको, जो आपको लगता है सीजनिंग फल होते हैं यार, ये तो सीजन में आते हैं गर्मी में. आप देखते हो गर्मी में आम आता है, फिर भी आम मिल रहा है आपको नवंबर के महीने में. तो ऐसा क्या करूं फलों को पकाने के लिए? या मान लो अगर गलती से हमारे पास फल आ चुके हैं, राइट, गलती से मान लो हमारे पास फल आ चुके हैं मार्च में. अब हमें भी पता है कि आम आते आते भाई मई हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप देखोगे कहीं कहीं जगह आपको अप्रैल में आम मिल, मई में, मार्च में आम मिल जाएगा, है ना. तो वो क्या करते हैं ऐसा, तो ऐसा क्या करूं जिससे कि फल जल्दी पक जाए मेरे, तो कौन सी स्टिमुलेशन को यूज करते हैं? साइटोकिनिन, ऑक्सिन, गिबरेलिन या इथिलीन? जल्दी बोलेंगे और सेशन को लाइक करेंगे सभी बच्चे, सेशन को लाइक करेंगे एक अलग लेवल पे सभी बच्चे, फटाफट फास्ट लाइक करके अर्धशतक मारेंगे जल्दी फटाफट. क्या बात है, बहुत बढ़िया. तो याद रखना बेटा, फ्रूट रिपेनिंग इज स्टिमुलेटेड बाय, तो फ्रूट रिपेनिंग को हम स्टिमुलेट करते हैं इथिलीन से. किससे करते हैं? इथिलीन से करते हैं, ध्यान रखिएगा. किससे? इथिलीन. और इथिलीन के साथ एसिटैलिन भी मिलाया जाता है. क्या मिलाया जाता है? एसिटैलिन भी मिलाया जाता है इथिलीन के साथ. एसिटैलिन भी मिलाया जाता है इथिलीन के साथ. नेक्स्ट, which of the following is, leave karo isomerism is not in your syllabus, which among the following is the strongest oxidizing agent? inme se sabse strong oxidizing agent kaun sa, jaldi bolenge, sabse strong oxidizing agent kaun sa hai, sabse strong oxidizing agent kaun sa hai, jaldi bolenge. गुड गुड गुड. चलिए तो बेटा यहां देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. इनमें से बेटा एक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? O3. ओजोन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग ऑल दीज. H2O2, K2Cr2O7, KMnO4, पोटेशियम मैग्नेट पर मैग्नेट, इन सब में सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है O3 यानी कि ओजोन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सवाल है. वाटर बॉइल एट लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड. कुल मिलाकर आप क्या करो, पहाड़ी इलाके में चले जाओ. ठीक है, पहाड़ी इलाके में चले जाओ, मतलब एक अच्छी हाइट पे चले जाओ और वहां जाकर के पानी को बॉइल करो, मतलब हिमालय पर्वत पे जाके पानी को बॉइल करोगे तो हवा का प्रेशर कम हो जाता है. क्या लिखा है, क्या सवाल क्या जरा सुनना. आप घर में अपने वाटर बॉइल कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, आप घर में वाटर बॉइल कर रहे हो तो आपने गैस यूज करी, आग यूज करी, सब कुछ करा, एक टेम्परेचर दिया वाटर को, लेकिन जैसे जैसे बेटा आप हिमालय पर्वत तक पहुंचते जाओगे, एक अच्छी हाइट पकड़ लोगे, तो वहां पे वाटर आपका जो होता है वो कम टेम्परेचर पे बॉइल हो जाता है. आपका जो वाटर होता है वो वेरी कम टेम्परेचर पे बॉइल हो जाता है. ऐसा क्यों? क्योंकि जितना ऊपर हाइट हम जाते हैं तो क्या एयर प्रेशर कम हो जाता है हमारा, क्या आउटसाइड टेम्परेचर कम हो जाता है? तो ये तो सही बात है, आउटसाइड टेम्परेचर कम ही होता है जितना ऊपर जाओगे हाइट पे, लेटेंट हीट कम हो जाती है, या नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर. जल्दी बोलेंगे, तो बेटा जितना ज्यादा हाइट पे जाओगे पानी कम टेम्परेचर पे बॉइल हो जाता है, क्योंकि हवा जितना ज्यादा आप ऊपर जाओगे उतना ज्यादा एयर का प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है. आप एक कंटेनर है, बर्तन है, उसमें आपने पानी लिया, अभी आप घर में देख रहे हो यहाँ पे एयर का प्रेशर लग रहा है, तो वाटर वेपर्स को ऊपर जाने में समय लगता है, इसलिए पानी को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है बॉइल होने के लिए. जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड और हाई हाइट पे जाओगे, हवा का जो प्रेशर है, एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, तो वाटर आपका लो टेम्परेचर पे आपका बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSPR थ्योरी जो होती है हमारी, वो क्या प्रेडिक्ट करने के काम आती है?
जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं बेटा तो एक थ्योरी होती है जिसको बोलते हैं VSPR थ्योरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी बोला जाता है। ये VSPR थ्योरी जो होती है क्या डिटेक्ट करने के काम आती है, मॉलिक्यूल का शेप, मॉलिक्यूल का मास, रिएक्टिविटी मॉलिक्यूल की, या मॉलिक्यूल का कलर, जल्दी बोलेंगे, या कलर, जल्दी बोलेंगे फटाफट फास्ट। गुड, चलिए तो बेटा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो होती है हमारी मोस्ट सुटेबल होती है मॉलिक्यूल का शेप जानने के लिए। तो आपके जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनमें बेटा मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है इसको जानने के लिए हम लोग VSPR थ्योरी को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, VSPR थ्योरी को यूज करते हैं। ध्यान रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, निम्नलिखित में से किस तत्व में अपने संयोजकता कोश में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अच्छा ये सब क्या है, जरा देखो, सोडियम लिथियम कैल्शियम हाइड्रोजन, ये सब के सब एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। आपकी पीरियोडिक टेबल की जो सबसे पहली लाइन होती है, जो सबसे पहला है ना, सबसे पहला ग्रुप होता है, उसी के अंदर ये पाए जाते हैं। क्लियर, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड लिथियम, दैट इज कॉल्ड सोडियम, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सब के सब बेटा हमारे क्या होते हैं, एल्कलाइन है ना, एल्कली मेटल्स होते हैं। ये सब के सब क्या होते हैं हमारे, एल्कलीज, क्या होते हैं हमारे, एल्कलीज होते हैं। ध्यान रखिएगा, इनमें से कौन सा बेटा वो है जिसके जिसके अंदर वन इलेक्ट्रॉन नहीं है वैलेंस शेल में, और वो सबको पता है क्या होता है, कैल्शियम। तो कैल्शियम के अंदर हमारा वन इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कैल्शियम के अंदर हमारा वन इलेक्ट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम, इन तीनों में वन इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर, और यहाँ पे सी ए नहीं आता, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सी ए इस ग्रुप में नहीं आता, इसकी भी वैलेंसी बने, 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 बट कैल्शियम की वैलेंसी बंद नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है सर, यहाँ पे आता है पोटेशियम, क्या आता है, पोटेशियम। सी ए नहीं आता, कैल्शियम, यहाँ पे क्या आता है, पोटेशियम आता है। यहाँ पर क्या आता है बेटा, पोटेशियम आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन देता हूं, द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज रिटन बाय, द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज रिटन बाय, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई थी, जो बुक है हमारी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसके द्वारा लिखी गई थी, जो बुक है हमारी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और सेशन में लाइक करेंगे, जले चले। तो बेटा ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी गई थी डार्विन साहब के द्वारा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई थी, डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। क्या बेटा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू एटीपी, एटीपी का फुल फॉर्म बताएंगे पहले तो, एटीपी का फुल फॉर्म बताएंगे, टीपी का मैं बता देता हूं ट्राइफॉस्फेट, टीपी का मैं बता देता हूं ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। अब आपको बताना है, क्लियर, अब आपको बताना है एटी ए का क्या होता है, क्लियर, ए का होता है बेटा एडोनिसिन, क्या होता है एडोनिसिन, तो एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं एटीपी को। तो सोलर एनर्जी हमारी कन्वर्ट होती है एटीपी के अंदर इन माइटोकॉन्ड्रिया में क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम या पेरोक्सिज्यूम, जल्दी बोलेंगे किसमें होती है, तो बेटा एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट में सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है कहां पे, क्लोरोप्लास्ट में, कहां पे कन्वर्ट होती है, क्लोरोप्लास्ट में। और किस दौरान ये कन्वर्ट होती है बेटा, जब आपकी प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तब सोलर एनर्जी हमारी एटीपी में कन्वर्ट होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाके, कहां पे कन्वर्ट होती है, क्लोरोप्लास्ट यानी कि एडोनिसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर। क्लैरिटी है इस बात की, एब्सोल्युटली परफेक्टली क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो तो आज के इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। नाउ गाइस अगर हम बात करें तो रेगुलर बेटा आप लोगों को यहां पर अपने आप को मेंटेन रखना है। एक ही चीज मैं बोलूंगा आप लोगों को, अगर आप लोग रेगुलरिटी अपनी मेंटेन रखते हो तो डेफिनेटली चीजों को जल्दी अचीव करोगे। बिना हार्डवर्क के बेटा कुछ भी नहीं मिलता जिंदगी में, ये याद रखना, बिना हार्डवर्क के जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलता, ये मैं आपको पहले बता देता हूं।
कंटिन्यूअसली लगातार आपको हार्डवर्क करते रहना है, सेशन को लाइक करना है, ठीक है, रेगुलरिटी आपकी अपनी मेंटेन रखना है। एक अलग स्तर पे मैं आपके साइंस को लेके चला जाऊंगा। बहुत बच्चे देश में मुझसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ते ही हैं हमेशा से, है ना, और देश का हर एक बच्चा जो शायद आज है वो मेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जानता है, लेकिन एक साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसको मुझे पता है मैं बेहतर रूप में आपको दे सकता हूं, तो इसलिए मैंने साइंस को भी स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता है हमारे टेक्निकल के स्टूडेंट ऐसे हैं जो साइंस को एक अलग लेवल पे लेके चले जाएंगे और वो नॉन टेक्निकल एग्जाम की तरह पढ़ना चालू कर देंगे, जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साइंस का अपना एक तरीका है पढ़ने का, जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, राइट। चलिए, इस वीडियो के नीचे जब आप डिस्क्रिप्शन में आते हो तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बार्क स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 2 या SST JEE या आप कर रहे हो, आप है ना बार्क की तैयारी कर रहे हो या DFCCIL की तैयारी कर रहे हो, तो आज बेटा टेक्स्ट बुक पर एक ऑफर है रात को 12 बजे तक, तो आप लोग अपनी ब्रांच की लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा, सिविल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल, जिस भी ब्रांच की लिंक पर आप क्लिक करोगे उस पर्टिकुलर कोर्स को आपको एनरोल करना है। और आज टेक्स्ट बुक ने आपको एक बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है आज रात के 12 बजे तक, वो है जून बोनाजा सेल, तो आप जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करोगे उसमें सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और जब सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा उसके लिए आपको एक टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगाना है, और टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड है मोहित के। क्या है बेटा? मोहित के। तो टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगाओगे आप मोहित के में, आपको सबसे कम प्राइस में मिल जाएगा, चाहे आप DFCCIL के लिए देख रहे हो, चाहे आप बार के लिए देख रहे हो, चाहे आप AJEE सिविल, AJEE इलेक्ट्रिकल, AJEE मैकेनिकल के लिए देख रहे हो, सबसे कम प्राइस में आपको ये देखने को मिल जाएगा। क्लियरिटी है? बट ये ऑफर आज रात के 12 बजे तक है, इसके बाद आपकी प्राइस हाइक होने वाली है। क्लियर? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी गाइस।